नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वादिष्ट रेसिपी में। अभी नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और 9 दिन माता का बहुत ही विधि विधान से पूजा किया जाता है। आज मैं जो वीडियो शेयर करूंगी उसमें मैं बताऊंगी कि कन्या पूजन का क्या महत्व है और कैसे की जाती है कन्या पूजन। दोस्तों, आप 9 दिन माता की पूजा करते हैं, बहुत ही विधि विधान से उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं और 9वें दिन हवन करते हैं। लेकिन अगर आप कन्या पूजन नहीं करते तो ये सब व्यर्थ है। माता की असीम अनुकंपा पाने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन बहुत ही आवश्यक होता है। कन्या पूजन से घर की सारी परेशानियाँ दूर होती हैं और बीमारियां दूर होती हैं, जितनी भी नकारात्मकता होती है सब दूर होती है और मनुष्य के जीवन से संकटों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है, लेकिन बहुत लोग नवमी के दिन हवन के बाद कन्या पूजन करते हैं। तो आपकी परिवार की जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के एक दिन पहले कन्याओं को आमंत्रण दें और कन्या पूजन के दिन जब कन्याएं आती हैं घर में तो माता का जयकारा लगाएं और बहुत ही खुशी खुशी उनको घर में प्रवेश करें, फूलों से उनका स्वागत करें और जिस जगह पे कन्या पूजन करना है उस जगह को बहुत ही अच्छे से साफ करें, कन्याओं को वहाँ बैठाएँ, उनके चरण धोएँ, हाथ धोएं और अपने आँचल से या फिर किसी साफ़ कपड़े से उनका चरण साफ़ करें और उनका साजो श्रृंगार करें, उनके माथे पे टीका लगाएं और फूल अक्षत से उनकी पूजन करें, हाथ में कलेवा बांधें और उनकी आरती उतारें। कन्या पूजन की विधि समाप्त होने के बाद आप कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट प्रदान करें। दोस्तों, कन्याओं के साथ आप एक बालक को भी आमंत्रित करें, उनको भैरव बाबा के रूप में उनका पूजन करें और कन्याओं का उम्र 2 साल से 10 साल के बीच में होना चाहिए। ये तो थी कन्या पूजन की विधि। आइए दोस्तों, कन्या पूजन के प्रसाद की रेसिपी देख लेते हैं। कन्या पूजन के लिए मैं बनाई हूँ पूड़ी, खीर, हलवा, आलू की सब्जी और चना। काले चने को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चने को भिंगो कर रख दिया था और खीर बनाने के लिए मैं रखती हूँ 2 चम्मच चावल। मैं पहले यहाँ आपको बता दूँ, आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स लें। अभी मैंने चने को अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैं चने को डाल दूँगी। 1 कप चना में 2 कप पानी डाल दूँगी और 1/4 टीस्पून नमक डालकर इसे मैं 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी लो फ्लेम पर। दूसरी तरफ मैंने 1/2 लीटर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैं ली हूँ 2 चम्मच चावल को मैं सोख करके रख दी थी, तो 1/2 लीटर दूध मैं रखती थी, बॉयल हो चुका था दूध, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी चावल और खीर को कुक होने देंगे। दूसरी तरफ मैं 1/2 कप रवा ली हूँ हलवा के लिए, रवा को अच्छे से भून लेंगे। बीच बीच में खीर को भी स्टर करते रहेंगे ताकि तले में वो लगे नहीं। इधर मैं चने को चेक कर लेती हूँ, तो ये देखिए चना अच्छे से बॉयल हो गया है। 10 मिनट तक मैंने इसे बॉयल किया है। आप इसे कुकर में भी 2 सीटी आने तक बॉयल कर सकते हैं। अभी मैं चने को साइड में उतार कर रख दूँगी। इधर खीर कुक हो गया है, तो इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और चीनी, अच्छे से स्टर करेंगे, 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स खीर के साथ अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, खीर को उतार कर साइड में रख दूंगी। मैं रवा को भी बीच बीच में स्टर कर रही थी, तो रवा भी अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी पानी। 1/2 कप रवा में मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। पानी डालकर इसे अच्छे से स्टर करेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। रवा अच्छे से कुक हो गया है, इसमें डाल देंगे चीनी, इसे अच्छे से स्टर करेंगे, चीनी को इस हलवे के साथ अच्छे से मिक्स होने देंगे। चीनी मिक्स हो जाने के बाद डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद इसे 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इस हलवे को अच्छे से कुक कर लेंगे। डाल देंगे थोड़ा सा घी, मैंने शुरू में घी नहीं डाला था, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हलवा बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम लोग सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे।
मैं पहले काले चने को बनाऊंगी। तो मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल पैन में। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 ग्रीन चिली स्लिट की हुई, और डाल देंगे 1/4 टीस्पून अदरक। सबको अच्छे से स्प्लटर होने देंगे, सौते कर लेंगे। उसके बाद से गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि इसका कलर अच्छा आए। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दी हूँ और ऑयल गरम था, तो उसी गरम ऑयल में सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं डाल दूँगी काला चना और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं भूल गई थी पहले डालना, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर कर 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे। 4 मिनट के बाद लीड ओपन करेंगे। इसमें डाल देंगे कोरिएंडर लीफ और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर से इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। पानी डालने से सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स जाते हैं और पक जाते हैं। तो मैं फिर से 4 मिनट के बाद लीड ओपन करती हूँ। ये देखिए चने तैयार है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं फिर से 1 टेबल स्पून ऑयल को डाल दी हूँ पैन में। डाल देंगे अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, 1 स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली, 1 तेज़पत्ता, 2 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री, 2 लौंग और 1/2 टीस्पून जीरा। सबको अच्छे से सौते करेंगे। डाल देंगे 1 स्मॉल साइज़ का टोमेटो बिल्कुल बारीकी से कटा हुआ। टोमेटो को मैसी होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। टोमेटो मैसी होने के बाद डाल देंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। सबको मैंने 1/2 टीस्पून लिया है और कश्मीरी मिर्च पाउडर को 1/4 टीस्पून और हल्दी पाउडर को 1/4 टीस्पून ली हूँ मैं। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे टोमेटो के साथ। और अभी इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड। कर्ड डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे, कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि इसकी ग्रेवी फटे नहीं। तो दही कुक होने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मॉइस्चर छोड़ देता है, इससे कितना अच्छा ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी 2 बॉयल्ड पोटैटो चॉप किए हुए और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा डालेंगे कोरिएंडर लीफ। सबको अच्छे से स्टर कर देंगे और इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि आलू मसालों के साथ अच्छे से कुक हो जाए। और उसके बाद से इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से स्टर करूंगी और लो फ्लेम पे इसे कुक कर लूंगी। जब तक आलू कुक हो रहा है पूरी के लिए डो लगा लेंगे। मैंने लिया है 1 कप आटा, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल छोटा चम्मच से। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल ना सॉफ्ट ना हार्ड, सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो डो तैयार है, सब्जी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी भी अच्छे से कुक हो गई है। मैंने 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके इसे कुक किया है। सब्जी को प्लेट में निकालेंगे। बिना लहसुन प्याज के आलू की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। अब हम पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। पूड़ी के लिए मैंने सारे पूड़ियों को बेल लिया है। अब मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी पूड़ी। सारे पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है मात्र 30 मिनट्स में कन्या पूजन का प्रसाद। बहुत ही फास्ट बनता है अगर आप इस कुकिंग मेथड से बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाया है। तो मैं अभी इस थाली लगा रही हूँ कन्या पूजन का। तो मैं रख दी हूँ खीर, हलवा, आलू की सब्जी, चना जो मैंने बनाया है और डाल देंगे पूड़ी। तो जिस तरह से मैंने कुकिंग किया है उसी मेथड से आप भी कुकिंग करें, बहुत जल्दी सारे प्रसाद बनकर तैयार हो जाएंगे। और आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे देख सके। बेल आइकॉन के पास जो ऑल का ऑप्शन होता है उसे भी प्रेस कर दें, इससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।